शुगर मिल में आए हैं क्या? आपका मामला हम शुगर मिल में आए जी। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम हैं शुगर मिल के गन्ना ढुलाई के ठेकेदार, यानी कि ट्रांसपोर्टर। और ट्रांसपोर्टर होने के साथ में गत वर्षों से हम काम करते चले आ रहे हैं, कई वर्ष से कर रहे हैं, तो हमारा पेमेंट की समस्या नहीं आती थी। इस बार 23 और 24 का जो शस्त्र गया है, फैक्ट्री पे केस चल रहा था, कोर्ट हुआ, 7 जुलाई को आदेश हो गए कि डिलीवर बैठेगा फैक्ट्री पे। गोयल जी आए, उन्होंने जो हमारा पेमेंट वगैरह सब रोक लिया। फैक्ट्री के आके हम बात करते हैं कर्मचारियों से, जीएम साहब से, तो जीएम साहब कह देते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो गोयल जी करेंगे। गोयल जी से एक दिन बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने उसके बाद में फ़ोन उठाने भी हमारे बंद कर दिया। तो हमारा जो पैसा है ट्रांसपोर्ट का, वो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ धरना देंगे। अगर फिर भी हमारी बात मिल प्रशासन नहीं मानता है तो मिल में हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। ये हमारा निर्णय है, कानूनी कार्रवाई से ही हम लड़ेंगे, ना तो कोई बदतमीजी करेंगे मिल प्रशासन के साथ, ना ही हम बदतमीजी इनसे करवाना चाहेंगे। हम अपना शांतिप्रिय धरना देंगे, अपनी बात हम रखेंगे, और उसमें अगर हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा अपने पैसे के लिए तो हम बैठेंगे। गोयल साहब को बुलाना चाहेंगे? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा, जब तक गोयल साहब धरने पर नहीं आते और हमारे पेमेंट का चीनी निकलने देंगे। आयात निर्यात हम बंद करेंगे, जो कर्मचारी होगा उसे भी हम रोकेंगे जी। जब हम धरने पर बैठेंगे तो मेन गेट में ताला भी डालेंगे, ताकि जो इनका काम करने वाला कोई मजदूर है, कोई कर्मचारी है, अंदर ना जाए और ना ही अंदर से उसे हम बाहर आने। तो ये बात आप किस उससे कह रहे हैं कि आप धरना देंगे, ताला लगाएंगे, आप क्या है? हाँ, मैं एक किसान ही है, ट्रांसपोर्टर है या किसी? मैं इस मिल का किसान भी हूँ जी और ट्रांसपोर्टर भी। गत वर्षों से जब हम मिल के लिए अपनी मेहनत करके और मिल को चला रहे हैं, तो अब मिल प्रशासन का भी कायदा बनता है कि हमारे पैसों के लिए गोयल जी पर प्रेशर दिया जा, दबाव बनाया जा। मिल प्रशासन हमें तो गुमराह कर रहा है, हम पे तो कंडीशन है और शर्तें लगा रहा है, लेकिन उनसे कहने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इसके लिए इनके पास था 6 करोड़ रुपया, तो इन्होंने इनके खाते में ही था 11 तारीख में, इन लोगों ने देना ही नहीं चाहा। और ट्रांसपोर्टरों का अपनी तनख्वाह निकाल ली, अपना माइलेज निकाल लिया, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का मजदूरों का पैसा नहीं दिया इन्होंने, वो पैसा रोक रखा। काम हम करन नहीं देंगे, अगर हमारा 23-24 का पेमेंट नहीं होता तो हम लोग काम करन नहीं देंगे। किस स्थिति तक जाएंगे आप? हम हर हद स्थिति पार कर देंगे। मिल प्रशासन मिल प्रशासन तो ये कह रहा है पिछले पैसे को आप भूल जाओ और धोखाधड़ी से आगे के लिए साइन करो। एग्रीमेंट आपसे कुछ करा रहे? हाँ, एग्रीमेंट एक एक लोगों को बुला रहे हैं। मैं खड़ा हूँ बृजनाथपुर शुगर मिल में। यह जो ट्रांसपोर्टर हैं, लोडर हैं, उनका ये कहना है कि हमारा 2023-24 का बकाया हमें नहीं दिया गया है, और मिल प्रशासन जो है हमें एग्रीमेंट करना चाहता है, हमें दबाव में लेना चाहता है, हमें पेमेंट देने नहीं चाहता। जबकि हमारा मानना यह है कि अगर हमारा पेमेंट नहीं मिला तो हम मिल नहीं चलने देंगे, चीनी नहीं निकलने देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। मैं नसीम अहमद खान, दैनिक जनवाणी से, हापुड़।